सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है इफको किसान फेसबुक लाइव सीरीज सेशन में। सारे व्यूअर्स का, सारे अन्नदाता भाई, किसान भाई, श्रमिक बंधुओं का, जो प्रतिदिन सुबह 11 बजे हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। आशा करते हैं आप सभी किसान भाई कृषि तंत्र, कृषि प्रणाली से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हों, जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के सारे स्टेक होल्डर्स, सभी लोग सुरक्षित होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी अधिनियमों का पालन कर रहे होंगे तथा आने वाले खरीफ ऋतु की उचित तैयारी के साथ अपनी खेतों की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं एवं कृषि से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से कर रहे हों। लगभग 5वां हफ्ता शुरू हो चुका है और विगत 4 हफ्ते पहले हमने ये लाइव सेशन का आइडिया हमने जो है लिया था और आज इस लाइव सेशन को देखते हुए प्रतिदिन हम एक नए नए विषय पर चर्चा करते हैं, नए नए विशेषज्ञों को आप सभी से जोड़ते हैं तथा ये सुनिश्चित करते हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि कितनी भी चैलेंजेस आ जाए, कोई भी दिक्कत या परेशानी, नॉलेज डेसिमिनेशन, जानकारी का जो फ्लो है वो किसान भाइयों को इस कठिन परिस्थिति के दौरान में भी उनको अधिकतर मिल सके और हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सके। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो आज का हमारा सेशन है, जो आज का विषय है, ये भी काफ़ी रोचक विषय है। आज का जो हमारा विषय है वो ऐसी फसल पे है जो कि चाहे धार्मिक बोलिए, आर्थिक बोलिए या पर्व या त्यौहार के महोत्सव से बोलिए, ये फसल सामान्य जनजीवन में काफ़ी महत्व रखता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे तिल की फसल के बारे में। आज का हमारा मुख्य विषय होगा तिल की अधिक उत्पादन हेतु आधुनिक शस्य क्रियाओं का प्रयोग, मॉडर्न एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस से किस तरह से तिल की हाई यील्ड ले सकता है किसान, अधिक जो है किसान इसमें अधिक उपज लेके लाभान्वित हो सकता है। जो आज का हमारा विषय है, इस पे चर्चा करने के लिए जो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं, जो आज के हमारे एग्री एक्सपर्ट हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा देना चाहता हूँ। हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनका ताल्लुक राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, कृषि विज्ञान केंद्र मिर्ज़ापुर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस से हैं, जहाँ का मैं छात्र रह हूँ। मेरे गुरुजी हैं, ये शस्य विज्ञान में ये प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। विगत 33 वर्षों से, यानी 3 दशकों से भी ज़्यादा, ये किसानों के बीच में ग्राउंड लेवल में रह के शस्य विज्ञान को बढ़ावा देते हुए अपनी सेवा निर्वित कर रहे हैं। 27 से ज़्यादा इनके शोध पत्र हैं, 22 राष्ट्रीय, 5 अंतर्राष्ट्रीय, 61 से ज़्यादा इनके आर्टिकल्स हैं, 3 स्वतः इनकी किताबें हैं जिनके ये लेखक रह चुके हैं, 2 इनके बुक चैप्टर्स हैं, 4 प्रोजेक्ट्स में ये एज अ ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, PI या फिर co-PI यदि हम कह सकते हैं, वो ये रह चुके हैं, 8 इनके बुलेटिन्स हैं तथा 108 से भी ज़्यादा इनके पैम्पलेट्स, होल्डर्स, समसामयिक लेख हैं, 30 से ज़्यादा इन्होंने रेडियो टॉक्स किए हैं, 1 इनका TV टॉक भी रहा है तथा इनकी उपलब्धताओं, अवार्ड्स और रिकग्निशन पर यदि मैं चर्चा करूँ तो शायद पूरा दिन आज कम पड़ जाएगा। तो आइए, रिचली एक्सपीरियंस, बहुमुखी, बहुप्रतिभावान आज के हमारे एक्सपर्ट, पूरे ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर संत प्रसाद का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इफको किसान फेसबुक लाइव सीरीज सेशन में आपका। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे साथ 40 से भी ज्यादा लोग इस समय जुड़े हुए हैं, विभिन्न प्रांत, विभिन्न जगहों से। हेमंत राठौर जी, रुद्र प्रताप सिंह बिसेन, मोनालिसा भट्टाचार्य, जनक लाडमोर राजस्थान, अजय वर्मा, सरदार सिंह चौधरी राजस्थान से, मनोज पांडे उत्तराखंड, परितोष पात्रा वेस्ट बंगाल, मिराज अली, मनोज शाहबजाज, राकेश चंद्र, कौशिक सिंह, सुमित झा, चंपालाल चौधरी मूधन, दया श्रीवास्तव जी सीतापुर से, ये सभी लोग आपका हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत कर रहे हैं। इन सारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए एवं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर संत प्रसाद का स्वागत करने के लिए। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है इसके बारे में
मैंने हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा हिंट दे दिया है कि मुख्यतः किस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि आप एक पृष्ठभूमि दें और इंट्रोडक्शन देके बताएं कि मुख्यतः आज हम किन किन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। आज बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, आज के सेशन में आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वे बहुत नेगलेक्ट की हुई एक फसल तिल की फसल है, जिसकी प्रायः बहुत ही कम परिस्थिति में इसकी खेती लोग करते हैं। जहां लोग खेती करते हैं वहां पर जो उनकी कम उपजाऊ वाली जो भूमि होती है उसी पर इस फसल को लगाते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि यदि अच्छी भूमि में इसकी खेती की जाए तो निश्चित ही किसान भाइयों को ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, साथ ही साथ वे ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि सिद्धार्थ जी ने कहा कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, हमने जो बिंदु निर्धारण किया है उन बिंदुओं में बीज दर क्या रहेगी, बीज का शोधन किस प्रकार होगा, बुआई की विधि क्या रहेगी, बुआई का समय क्या रहेगा, प्रजातियां कौन कौन सी रहेगी, प्रजातियों में उर्वरकों का प्रयोग किस रूप से किया जाएगा, कौन कौन से उर्वरक प्रयोग किए जाएंगे, निराई गुड़ाई कब की जाएगी, सिंचाई कब की जाएगी, तथा खरपतवारी नाशक रसायनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा और उनकी कटाई किस प्रकार की जाएगी, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा आज के विषय में करने जा रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया एक बड़ी ही मुख्य बात कही, ये कि एक ऐसा फसल है कि काफी किसान भाई इसको नेग्लेक्ट करते आए हैं, इसकी आर्थिक महत्वता को किसान भाई शायद नहीं समझ पाए हैं, खास करके उत्तर भारत, उत्तर मध्य एवं उत्तर पश्चिमी भारत में, दक्षिण एवं ये दक्षिण पूर्वी भारत में तो इसकी काफी खेती होती है, परंतु जो उत्तर मध्य एवं उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत में काफी नेग्लेक्टेड क्रॉप है। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे और किन किन बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे वो आपने विस्तार से एक ओवरव्यू दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दया श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण कुमार तिवारी, वरुण सिंह मिर्जापुर से, चंपालाल चौधरी, डॉक्टर सुशील कुमार राय जो है लखनऊ से, हमारे काफी प्रबल व्यूअर हैं सभी लोग, एवं ये सरदार सिंह चौधरी जी, इन सभी लोगों ने आपका अभिवादन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद किया है। सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, इफको किसान टीम की ओर से कि आप हमारे साथ जुड़े हुए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने ओवरव्यू दे दिया, बढ़ते हैं हमारे आज पहले सेगमेंट की ओर। तिल की जो फसल है या फिर तिल हम देखें, एक सामान्य जन जीवन में इसका काफी महत्व है, परंतु ये महत्व इतनी आसानी से लोग इसको रियलाइज नहीं करते हैं, एवं जो हमारे किसान भाई, ये अन्नदाता भाई हैं, वो भी उसको इतना रियलाइज नहीं करते हैं। तो फिर सर्वप्रथम मैं चाहूंगा आप जरा इस पे प्रकाश डालें कि तिल के फसल का किसान भाइयों के जीवन में तथा सामान्य जनमानस के जीवन में क्या महत्व है। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी, जैसा कि ये तिल की जो फसल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, इसके तेल को खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके तेल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, और जहां तक इसके बीज का प्रयोग है, इसके बीज को भून करके और उसमें गुड़ या चीनी मिला करके मिठाई बनाई जाती है, जिसका पर्व पर इसको प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो तिल के केक होते हैं वे पशुओं के लिए बहुत लाभदायी होते हैं, क्योंकि इसके तेल में तो खनिज तत्व होते ही हैं,
साथ ही साथ इसके केक में भी खनिज तत्व के साथ साथ और जो तत्व होते हैं वे कैल्शियम और फास्फोरस है, जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि किसान भाई डेयरी फार्म रखे हैं और दुधारू पशु उनके पास हैं, तो इस तिल के केक को बहुत आयत मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है कि सरसों के केक को ज्यादा रूप में प्रयोग दुधारू पशुओं को नहीं दिया जाता है, अलसी के केक को दुधारू पशुओं के दिया जाता है। यदि तिल के केक रहे तो उसमें दुधारू पशुए ज्यादा लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही साथ इस तेल से परफ्यूम बनाए जाते हैं और औषधीय गुण भी है इस तेल में, जिससे कि औषधि जो बनाई जाती है, कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जो इस तेल के प्रयोग के पश्चात बनाई जाती हैं। इस प्रकार तिल के तेल, केक और जो भी चीजें हैं, इनके बहुत काफी किसान भाइयों को प्रयोग में आते हैं और काफी उपयोगी हैं। जी किसान भाई, जी सिद्धार्थ जी, जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि तिल की जो फसलें हैं उनका कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है, इसमें कितने प्रकार की खनिज, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स की प्राप्ति होती है, तथा आम जनमानस के अलावा इसकी खली जो है वो भी पशुओं के लिए काफी लाभान्वित होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसानों के लिए दो ही धन है, एक उसकी कृषि और दूसरा पशुधन। तो पशुधन के भी महत्व को देखकर यदि हम देखें तो ये फसल, इसकी खली काफी उपयोग में ले सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब एक प्राध्यापक हैं, कई स्टूडेंट्स, कई छात्रों को इन्होंने पढ़ाया है, कई छात्रों को इन्होंने शोध कराया है, मैं भी उनमें से एक इनका छात्र हूँ। आज कई छात्र आपके साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, राकेश चंद्र यादव, चिन्मय पलाई, सरदार सिंह चौधरी, ये सभी जो हैं आपके छात्र, आपको बहुत बहुत अभिवादन एवं आपका वेलकम कर रहे हैं। सभी जो हमारे स्टूडेंट्स बंधु हैं, सभी छात्र हैं, इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। पुष्पेंद्र सिंह शक्तावत, चौहान अशोक, सभी रंजीत सिंह राजपूत, इन सभी लोगों ने भी आपका बहुत बहुत स्वागत किया है। डॉक्टर सुशील कुमार राय हैं, इनका भी एक अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले डॉक्टर साहब मैं लूंगा अपना आज के सेशन का पहला प्रश्न। डॉक्टर सुशील कुमार राय हैं, ये जो है लखनऊ से हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे बड़े ही प्रबल व्यूअर हैं और कई किसानों के सवाल को सम्मिलित करके इकट्ठा करके ऑन बिहाफ ऑफ मेनी फार्मर्स ये जो है एक सवाल पूछते हैं। इनके सवाल का मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। इनका ये सवाल है कि तिल के साथ साथ सहफसली खेती, जो सहफसली खेती होती है, इस पे जरा सा मार्गदर्शन करें डॉक्टर साहब। ओवर टू यू सर। किसान भाई, जो तिल की फसल है वो तो मुख्य रूप से लगाई ही जाती है, साथ ही तिल की फसल के साथ इसकी सहफसली खेती भी की जाती है। जैसे कि तिल के फसल में लगाने के पश्चात यदि मूंगफली की फसल हो, उसमें भी तिल की फसल लगाई जा सकती है। साथ ही साथ जो कम ऊंचाई के पौधे हैं, उड़द है, मूंग है, उनके साथ भी तिल की फसल लगाई जा सकती है। होता यह है कि जब दलहनी फसलों के साथ तिलहन की फसल लगा दी जाए तो उनके जो नाइट्रोजन संग्रहित करने की क्षमता है उनके जड़ों में बैक्टीरिया के द्वारा, वे बैक्टीरिया तिल के जो दलहनी फसल है उनको तो नाइट्रोजन देते ही हैं, साथ ही साथ वे तिल के फसल को भी नाइट्रोजन पहुंचाते हैं। इस परिस्थिति में यदि
दलहनी फसलों के साथ साथ तिलहन की फसल भी लगा दी जाए तो दोनों फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है और इसके गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि तिलहनी फसलों के साथ यानी यदि कोई भी दलहनी फसलों का समावेश करके सहफसली खेती करते हैं, जो दलहनी फसलों में एक नेचुरल नाइट्रोजन बनाने की एक क्रिया है जिसमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया इनके रूट्स रूट नोड्यूल में पाए जाते हैं, वो साथ ही साथ बहुत लाभदायक होते हैं। आपके कई और शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, अशोक पंडित, राकेश चंद्र, ये सभी लोग आपके साथ आपको बहुत बहुत अभिवादन एवं आपका धन्यवाद कर रहे हैं जुड़ने के लिए। सौरभ शंकर दुबे, भूपेंद्र नेहरा, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ने से पहले लूंगा मैं एक और सवाल। अशोक पंडित हैं जो कि इस समय एज अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बिहार में हैं और एग्रोमेट्रोलॉजी कृषि मौसम के ऊपर इनका विशेष कार्य है। तो इनका एक सवाल है कि तिल की कोई हाई यील्डिंग वैरायटी बताए सर जो बिहार में अच्छी उपज दे सके, अच्छी यील्ड दे सके। जी डॉक्टर साहब। जी, यदि बिहार में देखी जाए कि कौन कौन सी फसलें लगाई जा रही हैं और किन प्रजातियों की फसल लगाई जा रही है, उसमें बिहार के लिए जो संस्तुत प्रजाति है वो शेखर और टाइप 78 दो प्रजाति है जिसकी काफी लोकप्रियता है। यदि किसान भाई इन प्रदेशों में इन प्रजातियों को लाइन सोइंग करके और पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करके लगाएं तो निश्चित ही उन्हें ज्यादा उपज मिलेगा, साथ ही साथ ज्यादा आमदनी मिलेगी। जी सिद्धार्थ जी, जैसा कि आपने कहा कि शेखर और टाइप 76 ये दो प्रजातियां बिहार के लिए जो काफी प्रचलित हैं एवं अधिक उपज वाली हैं, आशा करते हैं अशोक पंडित जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। पुष्पेंद्र सिंह जो है शक्तावत जी का भी काफी सवाल है कि तिल कब लगाएं, कैसे लगाएं, किस प्रकार की जमीन में लगाएं, बीज कौन सा व कितना उपयोग करें। पुष्पेंद्र जी, इन सभी बिंदुओं पे हम धीमे धीमे चर्चा करेंगे, हमारे साथ लाइव में जुड़े रहे हैं, हम अपने अगले सेगमेंट्स में इन्हीं मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। कौशिक सिंह हैं जो ये भी आपके एक जो है बहुत ही प्यारे एक शिष्य रह चुके हैं पूर्व में, तो आज सर जी आपका समय है, आपको मार्गदर्शक करना है जो है किसानों के साथ साथ कई छात्रों को भी। तो कौशिक सिंह जी ये जो है पूछना चाह रहे हैं सर, तिल की फसल को लगाने के लिए उत्तम बीज की जरूरत होती है जो कि किसान भाइयों को आसानी से नहीं मिल पाता है, तो उत्तम बीज के लिए किसान भाई क्या करे। बड़ा ही रोचक, बड़ा ही ज्वलंतशील और एक ये डिबेटेबल मुद्दा है जो कि कौशिक सिंह जी ने उठाया है, मैं चाहता हूं आप इस पे हमारे सभी किसान भाइयों का मार्गदर्शन करें। जी डॉक्टर साहब। जी कौशिक जी, जैसा कि उत्तम बीज का सवाल है, प्रायः देखा जाता है कि जो बीज किसान भाई प्रयोग करते हैं वो घर के रखे बीज को ही प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके प्रयोग करने में की क्षमता में थोड़ा सुधार लाना चाहिए। जो बीज वे बाजार से किसी संस्था से संस्तुत संस्था से जैसे कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, तराई विकास बीज निगम है, बिहार राज्य बीज निगम है, या पंत नगर के जो बीज हैं, अगर इन संस्थाओं से बीज को खरीद करके और उन्हें अच्छी प्रकार शोधित करके खेतों में लगाएं, उचित दूरी पर लगाएं, तो निश्चित ही उन बीजों से किसान भाई को ज्यादा आमदनी मिलेगी, ज्यादा उपज मिलेगी और वे खुश रहेंगे। जी सिद्धार्थ जी।
जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं कौशिक जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। नलीराम जी और राकेश चंद्र दो लोग के सवाल है। सबसे पहले मैं नलीराम जी का एक सवाल लूंगा, राकेश चंद्र जी अगले सेगमेंट कंप्लीट करने के बाद मैं आपका सवाल लूंगा, जुड़े रहे हमारे साथ। नलीराम जी हमारे हरियाणा के किसान भाई हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हरियाणा में तिल की कौन कौन सी उच्च कोटि की किस्मों की से सिफारिश हम कर सकते हैं, इसके बारे में श्रीमान आप कृपया हमें बताएं। हरियाणा की जो वैरायटियां हैं, किस्में हैं, जो किसान भाई ले सकते हैं इस समय, जरा इस पे प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। जी, जहां तक हरियाणा का सवाल है तो इन राज्यों में काफी उपजदायी प्रजातियों का चयन किया जाता है। इन प्रजातियों में जो शेखर है और TKG 21 है, JTS 8 है और PKDS 8, यदि इन प्रजातियों का चयन कर वे अपने राज्य में लगाएं तो निश्चित ही उनके उत्पादन ज्यादा होंगे, साथ ही साथ ज्यादा लाभ अर्जित करेंगे। जी सिद्धार्थ जी, आशा करते हैं नलीराम जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, जो कि जो भी संतुत यानी रिकमेंडेड वैरायटियां हैं जिनका नाम इन्होंने लिया, यदि आप इनको लगाएंगे तो निश्चित ही आपको अधिक लाभ होगा। सभी किसान भाइयों से यही आग्रह है, यदि किस्मों के बारे में आपको उचित जानकारी लेनी है, क्योंकि किस्म तो हजार लाखों कई किस्में हैं जो प्रतिदिन शोध करके उगाई जाती हैं, सबसे अच्छी किस्म अपने क्षेत्र के आधार पे, इसकी जानकारी यदि आपको देनी है तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से जुड़ें, उनसे सलाह लें, उनसे पूछें और नजदीकी कृषि विभाग में जाके जो बीज निगम है, इसे सीड कॉरपोरेशन कहते हैं, उनसे जुड़ के बीजों को प्राप्त करें और अधिक लाभ लें। डॉक्टर साहब, समय को देखते हुए 30 मिनट हो चुके हैं और सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी होती जा रही है, 50 से भी ज्यादा लोग इस समय हमारे साथ लाइव सेशन में हैं। आपकी लोकप्रियता को देखते हुए शायद सवाल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि मुझे दिक्कत हो रही कि मैं किसके सवाल लूं, किसके सवाल छोड़ूं। जयप्रकाश सिंह जी, दया श्रीवास्तव जी, आपके सवाल भी हम लेंगे, राकेश चंद्र यादव जी आपके भी हम सवाल लेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि हमारी काफी बिंदु हैं जिन पे चर्चा करनी है। तो बढ़ते हैं हम आज हमारे अगले सेगमेंट की, और आपने तिल के महत्व के बारे में बताया, अब मैं ये जानना चाहता हूं आप जरा सा किसान भाइयों को बताएं कि तिल की खेती मुख्यतः भारत के किन किन क्षेत्र, किन किन राज्यों में की जाती है। जी डॉक्टर साहब जी, जैसा कि इसके नाम से ही प्रचलित है और इनके उपयोग से ही प्रचलन है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन प्रदेशों में भारी मिट्टी है और किसान भाई इन प्रदेशों में बहुत अच्छे ढंग से तिल की खेती करते हैं। इन प्रदेशों में लाइन पंक्ति से पंक्ति की बुआई की जाती है जिससे उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन इन प्रदेशों के अलावा अन्य प्रदेशों में जो किसान भाई तिल लगाते हैं वे अच्छे तरीकों वैज्ञानिक पद्धति से नहीं लगाते हैं। कुछ किसान भाई तिल को छिटक देते हैं जिससे कि उनका उत्पादन कम मिलता है और यही कारण है कि वे तिल को नापसंद करते हैं। यदि तिल की फसल को पंक्ति से पंक्ति और पौध से पौध की दूरी को समायोजित करके सही ढंग से लगाई जाए तो निश्चित ही किसान भाई को ज्यादा लाभ मिलेगा। और जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, इन सभी राज्यों में तिल की फसल को बहुतायत रूप में लगाया जाता है और इन फसलों से ज्यादा लाभ लिया जाता है।
जी सिद्धार्थ जी, जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, खास करके दक्षिण भारत है, जिसमें तिल की फसलों का खास करके जो है उपज ली जाती है, खेती की जाती है, और इससे किसान भाई तथा, क्योंकि दक्षिण भारत में इसका सेवन आम जनमानस अपने डेली रूटीन के भोजन में भी करते हैं, तो हो सकता हो इसकी उपज वहां पर ज्यादा ली जाती है, ली जाती है। तो डॉक्टर साहब, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले, राकेश चंद्र यादव हैं, ये भी आपके एक शिष्य रह चुके हैं, इस समय हरियाणा में विस्थापित हैं। इनका ये सवाल है, क्योंकि तिल की फसल जो है अधिक जो है जल भराव क्षेत्रों में, जल से काफी, जिसे हम कहते हैं कि सेंसिटिव है, वाटर सेंसिटिव क्रॉप है, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन में किसान भाई तिल की खेती को लेके क्या करें, जरा इस पे चर्चा करें और इनका मार्गदर्शन करें। ये जो तिल की फसल है, बहुत पानी की सहनशीलता नहीं है इस फसल में, और वे किसान भाई इस फसल को न लगाएं जहां पर वाटर लॉगिंग, पानी का जल भराव बहुत दिनों तक रहता हो। यदि पानी रहे और एक दो दिन के अंदर वो पानी निकल जाए, तो वहां पर इस फसल को किसान भाई लगा सकते हैं, लेकिन जल भराव वाले क्षेत्र में इस फसल को नहीं लगाया जा सकता है। इस फसल के अलावा अन्य फसल को चयनित करके, लगा करके किसान भाई ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी, जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं राकेश चंद्र जी, आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। राजेश कुमार जी पूछ रहे हैं कब लगाएं, तो राजेश जी हमारा अगला सेगमेंट इसी पे है, देखिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे पूरे लाइव सेशन के अंत तक।